हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर शुरू है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उस चैप्टर में हमने जो लास्ट टाइम बात की थी वो थी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो बच्चों, उसमें हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, शायद से आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हमने बात की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, उसके बाद में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। और उसमें मैं आपको समझाया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं उनके फ़ायदे क्या है, किस तरह वो काम करते हैं, एक अगर हम कंपैरिजन करें सिंपल प्लांट से उनकी। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में हमें पढ़ना है कुछ। हमने एग्ज़ाम्पल लिए थे, जैसे बीटी कॉटन का एग्ज़ाम्पल लिया था, सोयाबीन का एग्ज़ाम्पल लिया था, टोमेटो का लिया था, पोटैटो का लिया था। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमें जो पढ़ना है अभी वो बीटी कॉटन पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने दे के रखा है। एनसीईआरटी बोला है, सीईटी बोलो, वहाँ पे बीटी कॉटन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वो है हमारा बीटी कॉटन। एक्चुअली बीटी कॉटन, ये आपको सभी को पता है, बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, मतलब जिसका जीन हमने चेंज किया है। जैसे बीटी कॉटन का हमने एग्ज़ाम्पल लिया अभी, तो ये एक जिसका डीएनए हमने चेंज किया, ऐसा मॉडिफाइड ये प्लांट है। ओके, क्यों बनाया हमने इसे? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि प्लांट जनरली, प्लांट के ऊपर हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सभी जो केमिकल्स है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। एक तो उनका पोल्यूशन हो सकता है, दूसरा है काफ़ी महंगे भी है, तो फार्मर को वो प्रॉफिटेबल नहीं है। इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना प्लांट को ऐसा बनाए कि जो अंदरूनी स्ट्रांग हो। अगर प्लांट अंदरूनी स्ट्रांग है तो उसके ऊपर फिर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का कोई डर ही नहीं है, मतलब वो ना उसके पेस्ट आएगा ना इंसेक्ट आएगा, ना केमिकल फिर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एम है कि प्लांट को अंदरूनी स्ट्रांग बनाओ, प्लांट को अंदरूनी ऐसा बनाओ ताकि उसके उसके ऊपर पेस्ट इंसेक्ट कोई ना आ सके। तो वही हमें आज बात करनी है, और वो बात करनी है बीटी कॉटन को लेके। ओके, तो सबसे पहले ये जो बीटी है इसका मीनिंग जानते हैं। एक्चुअल में जो बीटी है इसका मीनिंग होता है बैसिलस थुरिंजायंसिस। जैसे मैं लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि एक्चुअली ये जो बैसिलस थुरिंजायंसिस है ये बैक्टीरिया है। सो बैसिलस थुरिंजायंसिस इज अ बीटी। ओके, इसे बीटी को कहते हैं, देखो ये बैसिलस का बी और ये टी, ऐसे बीटी। ये सॉइल बैक्टीरिया है। इसकी एक खासियत है, समझिए, एनसीईआरटी के अंदर शुरू में उन्होंने दिया है ये बीटी की खासियत है कि प्रोटीन क्रिएट करता है। ये बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है, वो जो प्रोटीन है वो इंसेक्ट को किल करता है। तो बैक्टीरिया ने क्या बनाया? प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो किसको किल करेगा? इंसेक्ट को किल करेगा। अब कौन कौन से इंसेक्ट, देखिए उसमें लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट का नाम है, कोलियोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स, इसमें अलग अलग कैटेगरी आती है इंसेक्ट की। ओके, जैसे डायप्टेरन जिसमें मॉस्किटो वगैरह, फ्लाइज वगैरह आ जाते हैं, आप पढ़ लेना एनसीईआरटी से कौन कौन से इंसेक्ट इसमें आते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो इंसेक्ट हैं जिनके ऊपर ये प्रोटीन काम करता है, ये प्रोटीन जो है इन तीनों को मार सकता है। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बैसिलस थुरिंजायंसिस कॉल्ड एज बीटी, जब एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है, पर्टिकुलर फेज में आता है, तब वो वहाँ पे बनाता है क्रिस्टल प्रोटीन। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बीटी नाम का बैक्टीरिया है एक पर्टिकुलर स्टेप में आने के बाद बनाता है क्रिस्टल प्रोटीन। यही प्रोटीन है, हमने क्रिस्टल प्रोटीन बोला उसे। जब इसने क्रिस्टल प्रोटीन बनाया, वो जो क्रिस्टल प्रोटीन है वो काफ़ी टॉक्सिक होता है। ओके, और इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि ये जो बैक्टीरिया है ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा, क्रिस्टल प्रोटीन जो होता है वो इंसेक्ट को किल कर सकता है, और जो केमिकल इंसेक्ट को किल करेगा उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल। सो ये प्रोटीन कौन हुआ? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐसा है कि बैक्टीरिया प्रोटीन बनाएगा जो इंसेक्ट को किल करेगा। गॉट इट? नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, जो मैंने आपकी अभी कहा आपसे कि ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट को किल करता है, तो हमें ये समझना है कि ये प्रोटीन इंसेक्ट को कैसे किल करता है, कौन सा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के अंडर में ये प्रोटीन उस इंसेक्ट को किल करेगा। तो बात करते हैं हाउ दिस प्रोटीन किल द इंसेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं।
तो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि बैक्टीरिया ने जो प्रोटीन बनाया, अगर वो प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर जाता है तो इंसेक्ट की मौत कैसी होती है, देखो यहाँ पे। सो बीटी नाम का बैक्टीरिया है, उसने प्रोटीन बनाया। प्रोटीन फ़िलहाल कौन से कंडीशन में है, जब वो बैक्टीरिया के अंदर होता है तो कौन से कंडीशन में है, इनएक्टिव कंडीशन में, मतलब प्रोटॉक्सिन कंडीशन में है। ओके, तो वो जो प्रोटीन है वो प्रोटॉक्सिन कंडीशन में है। अब होगा क्या वो देखिए, यहाँ मैंने लिखा प्रोटीन जो प्रोटॉक्सिन है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया ये इंसेक्ट की बॉडी है, दिस इंसेक्ट। अब होगा क्या देखिए, जब ये प्रोटीन इस इंसेक्ट के अंदर जाएगा, ओके, जब ये प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर जाएगा तो पहला कौन सा फॉर्म होगा, प्रोटॉक्सिन फॉर्म होगा, सभी जानते हैं। अब होता क्या है, इंसेक्ट के अंदर जो हालात है, इंसेक्ट के अंदर स्पेशली गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इंसेक्ट में एलिमेंट्री कैनल के अंदर ये प्रोटॉक्सिन जो है वो कन्वर्ट होता है टॉक्सिन में। अब ये कैसे हुआ वो भी समझिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रोटॉक्सिन जो है वो अल्कलाइन कंडीशन में आ जाता है इंसेक्ट के अंदर, गट के अंदर अल्कलाइन कंडीशन होती है। तो ऐसे अल्कलाइन कंडीशन में प्रोटॉक्सिन जो रहता है वो सोल्यूबलाइज हो जाता है। ओके, पहले आपने जानता ना क्रिस्टल प्रोटीन है, ओके, ये क्रिस्टल प्रोटीन यहाँ अल्कलाइन कंडीशन में क्या होगा, सोल्यूबलाइज होगा। सोल्यूबलाइज होने के बाद वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, और टॉक्सिन जो है आपको पता है एक्टिव स्टेट में है। अब जैसे यहाँ पे टॉक्सिन बना, अल्कलाइन कंडीशन की वजह से टॉक्सिन बना, ये टॉक्सिन फिर इसके आजू बाजू में जो एपिथेलियल सेल्स है, आपको मैं याद दिला दूँ, हमने पढ़ा है वहाँ पे टिश्यू का चैप्टर, मैंने आपको समझाया था, या फिर डाइजेशन का चैप्टर, जिसमें हमने कहा था एलिमेंट्री कैनल के एग्जैक्टली साइड में एपिथेलियल टिश्यू लगे रहते हैं, तो यहाँ पे लगे रहे एपिथेलियल टिश्यूज, गॉट इट। अब होगा क्या देखिए, मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगी, ये जो यहाँ पे टी फॉर टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा ना अल्कलाइन कंडीशन की वजह से, ये टॉक्सिन अभी किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये कौन है, ये है एपिथेलियल टिश्यूज, सो इट्स कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल्स। तो ये जैसे टॉक्सिन एपिथेलियल सेल के ऊपर अप्लाई हुआ, एक्चुअली वो क्या रहता है, टॉक्सिन जो रहता है ना एपिथेलियल सेल के ऊपर जब अप्लाई होता है तो वहाँ पे रिसेप्टर लगे रहते हैं। आपको मैं बताऊँ, सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ पे रिसेप्टर लगे रहते हैं, वो रिसेप्टर में ये टॉक्सिन ज्वाइंट हुआ। तो हुआ क्या, इस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है वहाँ टॉक्सिन ज्वाइंट हुआ, टॉक्सिन के ज्वाइंट होने से यहाँ पे इस सेल के अंदर जो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पोरोसिटी हो जाती है, इसके अंदर पोर्स खुल जाते हैं, मतलब पोर्स बन जाते हैं। तो टॉक्सिन का सेल से जुड़ना, और जुड़ने के बाद इस सेल के अंदर पोरस क्रिएट होना, मतलब छेद क्रिएट होना, और इस छेद की वजह से यहाँ पे जो आयंस है इसका एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ जाता है, परमिटिविटी जो होती है आयंस को लेके बढ़ जाती है, तो आयंस जो है काफ़ी अमाउंट में अंदर चले गए या बाहर निकल गए, तो आयंस का वहाँ पे एक्सचेंज बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो उसी आयंस के एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे जो सेल है, ये सेल क्या हुआ, एक तो स्वेल हो जाएगा, और स्वेल होने के बाद वो लिसिस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वंस अगेन समझिए, टॉक्सिन का सेल से जुड़ना, सेल के ऊपर रिसेप्टर से जुड़ना, उसकी वजह से यहाँ का पोरोसिटी बढ़ जाना, आयंस का अंदर जाना, और परमिनेशन आयंस को जो है बढ़ जाना, उसकी वजह से सेल में इस सेल का जो है वो स्वेलिंग टाइप में आ जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है सेल, और दूसरा इसका लिसिस होता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है। सो इट्स अ मोड ऑफ एक्शन, अगर सेल ब्रेक हुआ, एपिथेलियल सेल अगर ब्रेक हुआ, तो ढेर सारे उसके अंदर जो सेल है सभी ब्रेक होंगे, तो अल्टीमेटली उस इंसेक्ट की क्या होगी, ऑब्वियसली मौत हो जाएगी। तो ये कुछ, ये एक मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको सबसे पहले याद रखना प्रोटॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, कौन से कंडीशन में, अल्कलाइन कंडीशन में। उसके बाद में ये टॉक्सिन जो है कौन से सेल पे ऊपर अप्लाई हुआ, एपिथेलियल सेल के ऊपर अप्लाई हुआ, उस एपिथेलियल सेल को उसने स्वेल किया, लिसिस किया, इसलिए वो ब्रेक हुआ, तो इंसेक्ट मर गया। बात समझ में आ गई, ओके। अब आप पूछोगे, सर ये जो प्रोटीन है दैट इज़ प्रोटॉक्सिन, ये जब बैक्टीरिया के अंदर होता है तो बैक्टीरिया की मौत क्यों नहीं होती। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे आपसे कहा ये प्रोटॉक्सिन कौन से फॉर्म में है, बैक्टीरिया में, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब वो इंसेक्ट के अंदर जाया तो कौन से फॉर्म में गया वो, मतलब वो कन्वर्ट हुआ टॉक्सिन फॉर्म में। तो दोनों में ये डिफरेंस है, बस इसको आप अच्छे से समझ लो, गॉट इट। तो यहाँ पे हमने जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट किया है।
आगे जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर यहाँ पे बीटी नाम का बैक्टीरिया अगर ये प्रोटीन क्रिएट कर रहा है, तो सिंपल सी बात होगी, बैक्टीरिया अगर प्रोटीन क्रिएट कर रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ होगा जो प्रोटीन बनाएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो बैक्टीरिया प्रोटीन बना रहा है? बैक्टीरिया के अंदर है डीएनए, एक पर्टिकुलर वो जीन, जो जीन क्या बना रहा है? प्रोटॉक्सिन बना रहा है। तो हमें अभी जो बात करनी है वो उस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है उस जीन के बारे में हमें बात करनी है। ओके, तो देखते हैं हम, मैं एक्चुअली आपको जीन के बारे में, स्पेशली ऐसा जीन जो प्रोटीन बना रहा है उस जीन के बारे में क्या बताऊंगा। तो स्टूडेंट, जैसे हमें पता चला कि जीन बैक्टीरिया के अंदर है और वो जीन प्रोटीन क्रिएट करता है, तो हम क्या करेंगे अभी, जो जीन वो बैक्टीरिया के अंदर है जो प्रोटीन क्रिएट कर रहा है, उस जीन को हम आइसोलेट करेंगे, उस जीन को हम बाहर निकालेंगे। ओके, जीन को बाहर निकालेंगे और उस जीन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे प्लांट्स के अंदर। समझिए मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि वो बैक्टीरिया था, ओके, उसके अंदर बैक्टीरिया का नाम क्या था? बीटी। उसके अंदर ये जीन है, ये जीन हमें यहाँ से आइसोलेट करना है, बाहर निकालना है, और इस जीन को यहाँ से बाहर निकालने के बाद, तो जीन को हमें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर निकाल के उसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा प्लांट्स के अंदर। तो जैसे आपने बैक्टीरिया से जीन निकाल के प्लांट के अंदर ऐड किया, ये जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। जीन तो आप कहीं पर भी रख लो, जहाँ वो सूटेबल कंडीशन है वहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, और जो उसका काम है वही वो क्रिएट करेगा। जीन का काम क्या था? प्रोटीन बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हो चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर सीरियसली किसी को अगर पढ़ाई करनी है तो मान लो उसको प्रॉपरली एक एटमॉस्फियर, आप घर पे एटमॉस्फियर दो या फिर किसी और जगह उसको एटमॉस्फियर अगर मिलता है पढ़ाई का, तो वो पढ़ाई करेगा ही, एक्सप्रेस तो होगा ही। ओके, तो मेरी बात सेम है, बैक्टीरिया के अंदर जीन को एटमॉस्फियर मिला, जीन एक्सप्रेस हुआ। सेम एटमॉस्फियर प्लांट के अंदर अगर मिला तो भी जीन एक्सप्रेस होगा। एटमॉस्फेयर मतलब जो उसको ज़रूरी चीज़ें हैं एक्सप्रेस होने के लिए, मैंने आपको सब समझाया था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, गॉट इट? ये जीन एक्सप्रेस होगा, तो अगर जीन एक्सप्रेस होगा तो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अगर प्लांट के अंदर प्रोटीन बन गया तो आपको आगे पता है आगे क्या होगा, अगर प्लांट के अंदर प्रोटीन बन जाता है तो पूरे प्लांट्स के अंदर प्रोटीन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे उस प्लांट के जो लीफ है, अगर किसी इंसेक्ट ने खा लिए, आगे आपको पता है इंसेक्ट मर सकता है, मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था, गॉट इट? इस तरह की बात करनी है, प्लांट को एक जहरीला बनाना है, किनके लिए? पेस्ट के लिए और इंसेक्ट के लिए, गॉट इट? तो इससे पेस्ट और इंसेक्ट दोनों मर सकते हैं उसके लीफ खा के। चलो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अभी जो जैसे मैंने आपको कहा था बीटी के बारे में, बीटी जीन्स के बारे में, ओके, तो बीटी जीन जो रहता है या बीटी टॉक्सिन जो रहता है, ये स्पेशली इंसेक्टिसाइड ग्रुप को ज़्यादा फैमिलियर करता है, मतलब वो इंसेक्ट एज कम्पेयर टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, तो वो इंसेक्ट के ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा, इसलिए इसको इंसेक्ट किलिंग ग्रुप भी कहते हैं बीटी टॉक्सिन को। ओके, दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर मैं जीन के बारे में बात करूँ तो ये जो जीन है इसका नाम है क्राई जीन, CRY, इट्स अ क्राई जीन, CRY। और ये क्राइजीन जो है, मतलब जैसे बोला था ना मैंने आपको, बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है जो प्रोटीन क्रिएट करता है, उसी जीन का नाम क्राइजीन है, वो प्रोटीन क्रिएट किया। ओके, अब जो क्राइजीन है वो डिपेंड करता है कि एक्चुअली, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जो बीटी टॉक्सिन है वो डिपेंड करता है आप कौन से क्रॉप के ऊपर उसको अप्लाई करना चाहते हैं और कौन से पेस्ट को मारना चाहते हैं। मतलब आपको एक ही क्राइजीन आपके हर प्लांट में नहीं भेज सकते आप, ओके, और हर इंसेक्ट के लिए अलग अलग होता है ये क्राइजीन। देखते हैं भाई, देखते हैं हम आगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर ये दिया है उन्होंने, आईएमपी है, एनसीईआरटी बोलो या सीईटी बोलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर फोकस करना आप। जो क्राइजीन है वो, पहले हम इनकी बात करते हैं, Cry1AC एंड Cry2AB, ये टाइप है क्राइजीन के, Cry1AC, Cry2AB, ये दोनों जो क्राइजीन्स है ये एक्चुअल में काम करते हैं, या फिर हमको भेजना पड़ता है इनको कॉटन के ऊपर, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये मैंने कॉटन बॉलवॉर्म इंसेक्ट का नाम लिखा है,
समझिए मेरी बात को, क्राइबन ए सी क्राई टू ए बी ये कॉटन के ऊपर हमें भेजने पड़ते हैं, मतलब ये दोनों जीन्स कॉटन में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, सेंड करेंगे, तब जाके हमें जो कॉटन मिलेगा वो बीटी कॉटन होगा, इट्स अ बीटी कॉटन। और वो जो कॉटन है उसके ऊपर कौन से इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा या कौन से पेस्ट का अटैक नहीं होगा, वो हो गए कॉटन बोलवॉर्म्स। कॉटन बोलवॉर्म जो है वो इंसेक्ट है, इसका अटैक नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आई? हाँ। सो क्राइवन ए सी क्राई टू ए बी ये दोनों को हमें कॉटन के अंदर भेजना है, तब जाके कॉटन को हम बीटी कॉटन बोलेंगे और उनके ऊपर ये कॉटन बोलवॉर्म्स नहीं आएगा। दूसरा लेते हैं हम क्राइवन ए बी, ये क्राइवन ए बी है, हाँ इसको थोड़ा कंपेयर करना आप, ये क्राई टू ए बी था, ये क्राइवन ए बी है। क्राइवन ए बी जो है ये कॉर्न के ऊपर भेजना है हमें, कॉर्न पता है आपको, ओके कॉर्न। तो हमें यहाँ पे ये जो क्राइवन ए बी है ये कॉर्न के अंदर भेजना है और बी टी कॉर्न उसको क्रिएट करना है। उसके ऊपर कौन अटैक नहीं करेगा, ये कॉर्न बोरेर अटैक नहीं करेगा। यहाँ कौन अटैक नहीं करेगा, कॉटन बोलवॉर्म अटैक नहीं करेगा। यहाँ कौन अटैक नहीं करेगा, कॉर्न बोरेर अटैक नहीं करेगा। यहाँ कौन सा प्लांट बना था जीन सेंड करने के बाद, बी टी कॉटन बना था। यहाँ क्या बना था, बी टी कॉर्न बना था, जिसके ऊपर ये कॉर्न बोरेर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जीन के बारे में उन्होंने दिया है कौन सा जीन कौन से प्लांट में भेजना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें जीन तो भेजना है लेकिन डिपेंड करता है कौन से प्लांट में भेज रहे हैं और कौन से पेस्ट के लिए भेज रहे हैं। गॉट इट? तो इस तरह बच्चों आज हमने जो कम्प्लीट किया है वो टॉपिक जो था वो बी टी कॉटन के बारे में था, तो जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में था। ओके इसमें आप बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से आप याद रखो, उसके बाद आप जीन के बारे में अच्छे से याद रखो। अगर दो बातें भी आपने अच्छे से याद रखी तो आपको एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कम्प्लीट हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक्चुअली था हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, जैसे बी टी कॉटन जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।